Dear students, Today my topic is need and importance of pre-primary education. Before this, we have discussed what does the pre-primary pre -primary education mean and what are the aims and objectives of pre-primary education. Pre-primary education is a type of education which is being given to students. Is being given to the child of the age of 3 to 6 years. And according to the Kuthari Commission, it is most important and it's a great significance to the physical, emotional, and intellectual development of children, especially those with, with unsatisfactory home backgrounds. प्रथ स्कूल ईयर्स एज़ पर द कुतारी कमिशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल ईयर्स डिटरमाइनिंग द हैप्पीनेस एंड सक्सेस ऑफ तो नीट एंड इम्पॉर्टेंस का ज्यादा ताल्लुक़ है तो कुतारी कमिशन के हिसाब से अगर अब देखा जाए तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इसके बहुत ज़्यादा इफ़ादत भी है फ़ायदा मंद भी है हमारे लिए क्योंकि बच्चों से बच्चों को अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन देंगे तो हम बहुत सारे किस्म की जो है डेवलपमेंट नशोनमज होती है बच्चों के लिए खासकर उन बच्चों के लिए जिनका जो बैकग्राउंड है वो किसी ऐसे घराने से है जिनके कोई मतलब हम कहेंगे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है <coughs> ऐसे बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन का देना या होना ज़रूरी है क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन की वजह से है? इसका हम जो है डेवलपमेंट जो है चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो इमोशनल डेवलपमेंट हो सोशल या मॉरल डेवलपमेंट हो या और कोई भी डेवलपमेंट हो तो इन बच्चों में हम वो डेवलप कर सकते हैं तो आज हम देखेंगे यहाँ पे इस वक्त जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नीड एंड इम्पॉटेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्यों हमें इस प्री प्राइमरी एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है या नीड है तो इसकी क्या वजह है क्या वजह है क्या हम क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसे तो सबसे पहला जो फ़ायदा हमें मिलने वाला है वह है फिज़िकल डेवलपमेंट का कोठारी कमीशन के हिसाब से जो फर्स्ट डेवलपमेंट जो है वो गए एजुकेशन की वजह से अगर हम दे, दे देंगे तो वह है सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट तो बच्चे जो है पहले जो बच्चे होते हैं मतलब बच्चे जो होते हैं तो पहले साल के जो पहले जितने मतलब अर्ली एज जो होती है उसमें उनकी डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ है वो रेपिडली होती है वो तेज़ होती है बहुत तेज़ होती है तो इसमें देखा गया है कि फ़िज़िकल डिफॉर्मिटीज़ या एबनॉर्मिलिटी जो है वो बच्चे अगर बच्चे में किसी किस्म की कमी है चाहे वो किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी जो, जो भी होगी इसकी जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के हिसाब से या इसके अनाज से एबनॉर्मिलिटी जो होगी तो इसका जो औरिजन देखा गया है वो बच्चे में हमेशा किसकी वजह से होती है वो बिकॉज ऑफ वो जो खामियाँ उस होती है फिजिकल फिज़िकल फिजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट के एतबार से वो बच्चे के अंदर सिर्फ इन्फेंसी पीरियड का होता है तो इस तरह से अगर आपने देखा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बेचारे ऐसे घरों में क्योंकि गरीबी जो है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मिलकर ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी जो हालत है वो ख़राब है यानी कि डटी होम्स है शेबीज़ है या ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ तो पर मिसाल के तौर पर वेंटिलेटर्स यान वेंटिलेशन का जो है वेंटिलेशन का जो है वो ज़्यादा तक फुकदान नहीं है तो ऐसी जगहों पर रहना या स्लम्स या ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ऐसी मतलब उन टेंकीियों से पानी पीते हैं वह गंदा पानी पीते हैं तो इस तरीके से जिन पानियों से कुछ मतलब एनिमल्स भी कभी कबार चले जाते हैं तो वो भी पीते हैं तो इस तरीके से उनकी जो सेहत पर वो बड़ा असर पड़ता है तो एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप या उनकी फिज़िकल हेल्थ केयर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के एट द एज ऑफ जो इस जहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं दैट इज एज ऑफ थ्री टू सिक्स ईयर्स तो प्री प्राइमरी स्कूल जो है वो इस चीज़ का मिसाल के तौर तो पर खास ख्याल रखते हैं दैट इज़ द फिजिकल ग्रोथ ऑफ़ चिल्ड्रन जब भी प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है तो वहाँ पर इस एज में इन बच्चों को फिज़िकल डेवलपमेंट या फ़िज़िकल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है है तो उनको कोशिश की जाती है कि उनको फ्रेश एयर दिया जाए बैलेंस डाइट दी जाए हाइजीनिक हैबिटेट जो है सेहतमंद जो हैबिट आदात है वो दिया जाए मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है तो प्ले वे एक्टिविटी के ज़रिए इनको दिया जाए तो इन चीज़ों का तक ख़्याल रखा जाता है इन, इन आ, हम कहेंगे तो इन चीज़ों से क्या होता है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इस तरह से अगर आपने देखो एक एक पॉइंट होगा ये एक हमें अहमद हम कहेंगे कि इम्पॉटेंस है किसकी प्री प्राइमरी एजुकेशन की कि सबसे ज़्यादा जो नशुनुमोते हैं जैसे फिजिकल डेवलपमेंट क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अगर किसी किस्म की एबनॉमी डिफॉर्मिटीज होगी तो इसका सीधा असर जो है वो इसी पीरियड पर चला जाता है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में तो इन सेंस तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए अगर हम उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी तो इनमें हम फ्रेश आयर बैलेंसड डाइट हाइजीनिक हाइजीनिकबिटेट्स और भी जो है मसल कोऑर्डिनेशन जो भी होगी प्लेवे मसल के जरिए तो इनको हम इस तरीके से केयर कर सकते हैं तो ये तो एक फ़ायदा हुआ है प्री प्राइमरी का। का। प्रे -प्रे एजुकेशन, एजुकेशन का दूसरा पार्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जहां तक प्री प्राइमरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का ताल्लुक है तो देखा गया है कि इसकी जो है बहुत ज़्यादा ज्यादात है अगर बहुत ज़्यादा है कहां प्रे कि इससे बच्चे के अंदर एक मिसाल के तौर तो पर जो मेंटल पावर होता है एक इंटेलेक्चुअल पावर होता है जो इसके दिमाग का हम मतलब कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल काबिलियत क्या जहनत का तो इस पावर को और भी वाइड किया जा सकता है क्योंकि कहा जाता है कि ये पीरियड जो है अगर हम इसको मतलब इस तरीके से कहेंगे कि इस तरीके से डेवलप करेंगे इसके अंदर और सारे जो है मतलब फ्यूचर जो है डेवलप हो जाएंगे जैसे कि इमेजिनेशन हो जाती है थिंकिंग पावर इसका इंक्रीज हो जाता है रीजनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है पावर ऑफ जजमेंट जो है उसमें उसकी मदद मिलती है तो इम, इसकी जो मेंटल हॉरिजन है वो बढ़ जाती है मतलब सोचने की कैपेबिलिटी जो बढ़ जाती है अगर हम उसको प्रीप्राइमरी एजुकेशन देते हैं तो इसके अलावा नए नए आइडियाज कंसेप्ट थाट जो भी है इसके माइंड में आ जाते हैं इसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन या डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं तो प्रीप्रेमरी एजुकेशन जो है तो बच्चे के अंदर एक अच्छे आदात जो है खड़ा कर देते हैं और बच्चे को ऐसी गलत जहनत से दूर रखते हैं जैसे अब्यूज से स्ट्रीट को, गली 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 में जो है लड़ाई झगड़ों से दूर रखते हैं बैर ठंड से दूर रखते हैं लोनलिनस तैयार करते हैं और हॉस्टलिटी जो है इन चीज़ों से बहुत दूर रखता है तो ये जो है इस तरीके से ये प्रिप्राइमरी एजुकेशन इस एज में जो मतलब बातें होंगी जो है तो उस तरीके से इस बच्चे के अंदर जो है एक नई नई सोच आइडियाज़ क्रिएट्स कंसेप्ट थाट्स मैंटल शार्पनेस पावर ऑफ जजमेंट और और भी जो है इन चीज़ों से अगर हम उसको प्रिप्राइमरी एजुकेशन दें तो ये जो कैपेबिलिटीज़ है इसके अंदर बढ़ जाती हैं तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द वन कंसेप्ट दैट इज़ द इंटलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हम कहेंगे प्रिप्राइमरी एजुकेशन से एक बच्चे के अंदर इंटलेक्चुअल डेवलपमेंट में उसमें भी बहुत सुधार आ सकता है और उसको और डेवलप करने में उसकी पोटेंशियल जितनी भी है उनको डेवलप करने में उसकी मदद मिलती है उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट तीसरा पॉइंट तो इमोशनल डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्र स्कूल एजुकेशन का तो इसके जो है इमोशनल डेवलपमेंट तो अगर आप उसको तो इमोशनल डेवलपमेंट में देखेंगे तो मेचोरिटी जो बच्चे के अंदर आ जाती है कि किसी चीज़ को फील करना किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना अपने फीलिंग जो है उनको कंट्रोल करना तो इन चीज़ों से जो है अगर हम उसको एजुकेशन देंगे तो शायद ये इन चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख जाता है कि अपने एक्सप्रेस वो कैसे करेंगे मैं अंडरस्टैंड uh, जो बात है वो करने का तरीका और इसके अलावा एक्सेप्ट या कंट्रोल इसके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करना तो इन चीज़ों हैं तो इस बच्चे के अंदर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के, के जरिए हम उसको हेल्पफुल हो सकते हैं इनके अंदर लव सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग सिंपैथी इन चीज़ों को डेवलप करने में तो इसके अलावा अंदर हमारे को डिस्क्रेज कर सकते जो दिन में वो दिन में डे ड्रीमिंग जो है उससे डिस्क्रेज कर सकते हैं इसके अलावा शाइनेस जो होती है नर्वसनेस जो होती है मोडीजनेस जो होती है ओवरसेंजटनेस जो होती है एग्रेसिनेस जो होती है वे एटीट्यूड जो होते हैं तो इन चीज़ों से भी हम इसको दूर रख सकते हैं इन चीजों से भी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं कि आप शाइनेस अगर इसमें हम इसमें शाइनस है उसको हम उससे दूर कर सकते हैं नर्वसनेस देख देखते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं मूडीनेस देख सकते हैं उसको हम समय दूर कर सकते हैं ओवर सेंसिटिवनेस हम देखेंगे तो उसको हम उससे दूर कर सकते हैं एग्रेसिवनेस अगर हम बच्चे में देख सकते हैं तो उसको हम दूर कर सकते हैं तो एटीट्यूड्स तो ये परिप्रायमरी एजुकेशन है हमें जो हम कहते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इमोशनल डेवलपमेंट के हिसाब से प्रायमरी एजुकेशन दे देंगे तो उससे भी हम बहुत सारे बच्चे जो है का नशे नमाज है उसमें भी सुधार ला सकते हैं इसके उसके बाद है एक और जो मैंने कहा कि वह सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट इसमें अगर हम सो, सोशल मॉरल एजुकेशन में देखेंगे तो इस सोशल डेवलपमेंट पे इसका बहुत ज्यादा असर है प्री प्राइमरी एजुकेशन से यहाँ मॉरल डेवलपमेंट जो है तो इस सोशल और मॉरल डेवलपमेंट अगर देंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा असर है तो सोशल डेवलपमेंट पे जो है सबसे ज़्यादा असर है क्योंकि यहाँ से अगर हम प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे तो बच्चे में जो है एक किस्म की नई नॉलेज खड़ा हो जाती है दैट इज़ कापरेशन हाउ वी आर कापरेटिंग विद अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी तो इसी तरीके से हम दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद करें तो उसके साथ रहना पसंद करते हैं रहने बैठने उठने तरीक़ा सब सीखते हैं तो इस तरह से सोशल जो है सोशल कोप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसके अलावा दूसरा जो है कि क्वालिटी ऑफ ओबीडियंस हम ओबीडियंस कैसे हासिल कर सकते हैं तो तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और चौथा है फैलो फीलिंग्स दूसरे के बारे में सोचना विकार करना तो इसके अलावा एक और क्वालिटी जो है इसके अंदर डेवलप हो सकती है दैट इज़ ऑनेस्टी ट्रुथफुलनेस इंडस्ट्रियस लेस तो ऐसी चांसेस जो है वो स्ट्रॉग करेक्टर डेवलप हो जाते हैं इसके अलावा लाइफ जो है इसको कैसे हम अकॉर्डिंग टू तो सोशल डेवलपमेंट से आगे ले जा सकते हैं तो इसके अलावा से जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन में और भी वैल्यू जो है हमें सबसे एक और वैल्यू जो है सपो ऐसे माएँ जो है जो वर्किंग वर्किंग मदर्स होते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उनको ये टाइम जो है ओवरलोड जो होता है उनका काम जो ज़्यादा होता है तो उस काम को कम करने के लिए जब आप प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को भेजते हैं तो इन का ख्याल रखने के लिए जो स्कूल होते हैं तो इस तरीके से और बड़न जो वर्क डन होता है इन वर्किंग आवर्स वमेन्स के लिए उनसे जो है उनको थोड़ा राहत मिलती है इसी तरह से और भी है कि ऐसे बच्चे जिनका जो है ताल्लुक जो है अनस्टेबल होम कंडीशनस है जैसे जिनके रूम्स अच्छे नहीं हैं जिनके मकान अच्छे नहीं हैं तो उनको तो अगर हम उनको देखेंगे तो इन मकान में जो है इन बच्चों जो है बेचारे को सलमत डाराक डम्के हाजो है तो ऐसे बच्चों का जो है फ्यूचर जो है अगर हम देखेंगे तो उनसे भी हम ठीक मतलब हम जो ऐसी नशोनुमा करेंगे जिससे वो ठीक हो जाएंगे और बच्चों की जो मीट नीड्स है उसको हम ठीक कर सकते हैं इस तरह से हमने हम हमने प्रॉपर एजुकेशन इन्वामेंट हम डेवलप कर सकते हैं कि उनको पहले से ही हम दिखा, दिखा सकते हैं कि कैसे एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन में आना है कैसे जाना है कैसे उठना है कैसे बैठना है क्या करते हैं जब हम एजुकेशन हजुकेशनवामेंट तो इस मेंट में आने जाने के लिए उनको हम मिसाल के तौर पर इसको मतलब एडजस्ट करने के लिए ये हमारे पास एक स्टेज होता है जैसे बच्चे के दरमिया बच्चे में हम पंक्चुअलिटी या ऐसे कुछ है तो इस तरीके से जो है इनके दरम्यान हम वो वो इनके अंदर वो हम वो माहौल जो है पैदा कर सकते हैं इसके अलावा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं मिसाल के तौर पर हम हाँ देखेंगे कि ये जो बच्चे होते हैं कि इनको हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है उसको बिल्डअप करने में जो है थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है इस एजुकेशन के ज़रिए इनके अलावा एक और चीज़ है एडजस्टमेंट इन द प्राइमरी स्कूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्राइमरी स्कूल जब उनको आगे फिर एडमिशन लेना होता है प्राइमरी एजुकेशन में तो उनके उनको हम जब हम पहले से ही उनको हम नर्सरी में या उनको अलग क्लास में ऐसे एजुकेशन देते हैं तो इससे जो इनका अचीवमेंट्स है वो और बढ़ जाते हैं तो इस तरह से कि वो बच्चे जो जिनने नर्सरी एजुकेशन हासिल नहीं किए जिसने प्री प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं किए तो उन बच्चों को और उन बच्चों को जिनने प्री प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है तो उनके दरमियाँ एक खास डिफरेंस पैदा हो जाता है क्योंकि वो जो है पहले से ही तैयार होता है जिनने प्री प्राइमरी एजुकेशन लिए होती है जिनने प्राइमरी एजुकेशन लिया उनके लिए एक नए एडजस्टमेंट का आगाज़ करना पड़ता है तो इस तरह से प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है देखा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन पर इसका बहुत ज़्यादा असर है तो एडुकेट प्रोविजन है प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बहुत सक्सेसफुल है इन्फोर्समेंट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन जो फिर कंपलसरी एजुके एजुकेशन है उसको और आगे ले जाने के लिए जो है प्रीप्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यहाँ से हमने ये जो इन सब उन को देख कर हमें एक चीज़ का जो है बिल्कुल ये है कि अगर हम दे, हमने देखा कि एजुकेशन जो है प्रीप्राइमरी एजुकेशन जो स्कूल जो, जो है एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्पफुल है प्री स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को ऐसे बच्चों को जिनने प्रीप्रेमरी एजुकेशन के दी गई है तो उनको किस तरीके से हेल्पफुल है क्योंकि उनका जो फिजिकल मोटर न्यूट्रिशनल इंटेलेक्चुअल स्टेटिक इमोशनल सोशल डेवलप जो है या इसके अलावा साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एजुकेशन असिस्ट इन सारों को एक ही सफ़े में अगर देखेंगे तो इन सारों के नशे नुमा के लिए जो है प्री एजुकेशन की सबसे ज़्यादा जरूरत है तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि प्री प्रे एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फॉर द चिल्ड्रन पॉल दवरी पर्सन एवरी चाइल्ड हुज़ अप द एज आफ थ्रीय पी सकूल एजुकेशन या पी प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहेंगे दैट इज 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 व वन आफ द इमेंट कन्सेप्ट एंड दट इज वन आफ द इमेंट फील्ड वेल्प फुल टू दैट चाइल्डस थैंक यू खुदा